वेलकम टू पूजा ब्लॉग। आज हम आए हैं दी हिमालयन कैफे, चलो आपको इसकी सैर कराते हैं। तो एक हमारे बूमरिंग के साथ आप सबका स्वागत है, ये हूँ मैं। आज की लुक हमारी है एंड गेस करो कि मेरे हाथ में क्या है। तो ये है मेरे हाथ में मोमोज। हमने पहले ऑर्डर किया है मोमोज, तो जो कि हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। आप प्लेट को देख कर बता सकते हो कि हमें कितना अच्छा लगा होगा। ये हम आए हैं दीदी जीजू। तो ये आ गया है हमारा पिज़्ज़ा, जिसके साथ हमें दो सॉसेज ऑर्गेनो एंड चिली फ्लिक्स दिया है। एंड देखने में तो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, ये डिलीशियस है। अब खाने के बाद पता लगेगा। इसका क्रस्ट थोड़ा सा ज़्यादा थिक था, बट ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। तो ये हम पहले ट्राई करेंगे ऑर्गेनो। चलो अब आप सबके साथ खाते हैं हमारा पिज़्ज़ा। हम इस पर स्प्रिंकल कर रहे हैं चिली फ्लिक्स एंड ऑर्गेनो। तो इसके साथ इसका टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया था। फिर एक एक पीस हम सब ने खाया। हम चार बंदे थे तो एक एक ही पीस आया, क्योंकि आई थिंक हमने स्मॉल या मीडियम मंगाया था। तो फिर हमने खाया, काफ़ी अच्छा था, क्वांटिटी भी ओके थी। ये दो पर्संस के लिए ये अच्छा है। हमने और भी बहुत कुछ खाया था, इसलिए हमारे लिए काफ़ी था, सफिशेंट था। प्राइस और क्वालिटी के अकॉर्डिंग मैं कहूँगी कि मेरे सेकेंड विजिट था, तो अभी का विजिट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहले हमने कुछ और ट्राई किया था। इन इस बार हमने जंक फूड को ज़्यादा देखा कि हम खा रहे थे पिज़्ज़ा। सो मुझे ये अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसका टेस्ट भी सबको अच्छा लगा। मोमोज़ काफ़ी ज़्यादा बेस्ट थे एंड बट मोमोज़ का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई था। जैसे कि हमें मोमोज़ 30 के मिल जाते हैं, 50 के मिल जाते हैं, 60 के हायर मिल जाते हैं, बट इनका प्राइस 80 था, 100 था। काफ़ी हाई प्राइस है, बट क्वालिटी एंड क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो आप ज़रूर जाएँ एंड अपनी फैमिली के साथ भी जाएँ। एंड ये हमारी सेकंड प्लेट थी, क्योंकि फर्स्ट वाली हमको बड़ी अच्छी लगी थी। बट हमारी जो फर्स्ट प्लेट थी वो ना रोल्स थे, लाइक उसमें बीच में गैप भी था ताकि हम आप आर पार देख सकते, जो कि आपने ऑलरेडी वीडियो में देखा होगा। सेकंड वाला इस पर कुछ ऑयल डाला हुआ था, काफ़ी सारा आप देख सकते हो, ऑयली ऑयल लग रहा है। बट टेस्ट ओके ही था, चटनी एवरेज थी, बट मोमोज़ का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। बट ये उतना पहले वाले ज़्यादा बेटर थे, जो गोल थे वो ज़्यादा अच्छे थे, मतलब जिनमें होल था वो ज़्यादा बेटर लगे हमको। ये वाले हमें 70-80% ही पसंद आए। तो आपको कैसे लगा? लोकेशन इसकी पड़ जाती है आपको जहाँ पे ओल्ड नेशनल एकेडमी स्कूल था वहाँ पे, या आपको हम बता दें तो आप गूगल पे भी अगर इसकी लोकेशन डालो, इस लोकेशन का नाम है द हिमालयन कैफ़े। एंड काफ़ी अच्छी वाइब है, छोटा सा है बट सफिशेंट है। कॉलेज के काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे काफ़ी यहाँ पे विजिट करते हैं, तो बड़ा अच्छा इनका ये रेस्टोरेंट चल रहा है। हमारी तरफ से भी इनको वेल विशेस रहेंगी कि इनका और अच्छे से चल जाए। और ये हम सब हैं, हम व्लॉगिंग करते हुए एंड अप करते हैं इस सबको। एंड लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार आप ट्राई करोगे यहाँ जाके कि नहीं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड मैं आपको मेन्यू दिखाना भूल गई थी, तो ये यहाँ का मेन्यू है दी हिमालयन कैफ़े के नाम से। यह इसकी प्राइस रेंज है, आप देख सकते हो, आप स्मॉल में, मीडियम में, स्टूडेंट्स के लिए भी अलग अलग इनके प्लेटर आते हैं। मैंने अभी वो ट्राई नहीं किए हैं, हम फ्रिक्वेंटली ट्राई करेंगे। आप अगर इस वीडियो पर 1K व्यूज़ दे देते हैं एंड 500 लाइक्स, तो हम ज़रूर इस वीडियो को दोबारा बनाएंगे। तो थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए। आपको हमारे चैनल पर वीडियोस कैसी लगती हैं ज़रूर बताना, और आपको क्या क्या और देखना चाहते हो, आप छात्री के कौन कौन सी व्लॉगिंग्स देखना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। इसी वीडियो में बन के रहना। और ये व्लॉग मैंने आज एडिट किया है, वीडियो काफ़ी पुरानी है, बट आई होप आप सबको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच।